हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे प्यारे बच्चों, किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ आज हम आपको सिखाने वाले बड़े ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से प्यारे बच्चों सीखिएगा कि किस तरीके से जो है बेसिकली फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, एक्सरसाइज आपका 7.5 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैथ बिल्कुल आपके लिए ईजी बनाने वाले हैं, पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा 1/18 प्लस क्या लिखा 1/18 लिखा है प्यारे बच्चों। जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो प्यारे बच्चों, सेम होता है। जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, सेम होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से फ्रैक्शन स्क्वाड करते हैं, यह बात आप हमेशा याद रखोगे प्यारे बच्चों। तो आपको 1/18 है तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, जब सेम होता है तो उसी डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देते हैं। न्यूमिनेटर जो टर्म है, जो भी नंबर्स लिखे उनको आपस में एज इट इज ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1+1 कितना हो गया 2, अपान कितना हो गया 18। अब देखो यहाँ पे 2/18 आ गया। अब ये तो आपने ऐड करके लिख दिया, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे कॉमन टेबल से। तो आपके पास 2 1 2 हो गया, 2 9 कितना आ गया 18 आ गया। तो आंसर कितना आ गया सर जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। क्लियर हो गया, ऐड करने के बाद क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो आंसर कितना हो गया 1/9 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपका अगला लिखा हुआ 8/15 प्लस क्या लिखा 1/15 लिखा है। यहाँ पे भी देखो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद 8 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 9/15 कितना आ गया प्यारे बच्चों 15 आ गया। अब यदि आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 9 और 15 का कुछ कॉमन नंबर है, वो है 3। कौन सा है, 3 है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ करके वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। 3 3 9 हो गया एंड 3 5 क्या हो गया 15 हो गया। तो इसका सिंपलेस्ट वर्जन भी आ गया। तो फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट कर रहे हैं वो भी हम आपको तरीके सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, 7/ क्या लिखा 7, -5/ क्या लिखा हुआ 7 लिखा प्यारे बच्चों। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब आपने यहाँ क्या लिखा 7 -5 लिख लिया प्यारे बच्चों। तो 7 में से 5 भी कितना आ गया 2 2/5 कितना हो गया 7 हो गया। इस तरीके से जो है आपके पास ये क्या है प्यारे बच्चों, वैल्यूज आ चुकी है। क्लियर हो गया, तो 2/7 आपके पास बनकर आ गया। तो देख रहे हो प्यारे बच्चों किस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ मतलब आपके सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोलो क्लियर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से बस आप देखिएगा। ठीक है, अच्छे से आप समझेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए सपोज डी पार्ट है प्यारे बच्चों। डी पार्ट में आपको दिया गया 1/22 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, +20 1/22 लिखा हुआ है। इधर ध्यान से देखो, देखो डिनोमिनेटर क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। जब डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों सेम होता है तो उस पर्टिकुलर केस में न्यूमिनेटर को एज इट इज क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 21 हो गया। अब देखो 1+21 कितना होता है 22/22 हो गया। तो ये 1/1, तो आप इसे 1 भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो क्लियर हो गया, आया समझ में प्यारे बच्चों। अब इसमें जो है एक अनदर देखते हैं प्यारे बच्चों, जी पार्ट देखते हैं, और जो पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं उसे आप स्वयं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखा हुआ है 1-2/3 लिखा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा, 1-2/3 लिखा है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम आप टेक करेंगे, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से 3 1 कितना हो गया 3 हो गया। 1 × 2 किया तो कितना आ गया 2 आ गया। अपान में 1 × 3 किया कितना आ गया 3 आ गया। बोलो क्लियर हो गया, तो इस तरीके से 3 में से 2 गया कितना आ गया 1 आ गया। अपान में कितना हो गया 3 हो गया, तो 1/3 क्या बन गया 3 बन गया। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आए, तो इस तरीके से 1/3 क्या हो गया 3 आ गया। ठीक, अब मान लीजिए सब कुछ एक अनदर पार्ट है प्यारे बच्चों, एच पार्ट भी देख लेते हैं। एच पार्ट में क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, 1/4 लिखा है प्यारे बच्चों। प्लस में क्या लिखा, 0/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है 1/4 + 0/4 लिखा है प्यारे बच्चों। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया 1 + 0/5 क्या हो गया 4 हो गया। 1 में कोई 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं 1 ही रहेगा। 5 में क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से देख लो कितना प्यारे तरीके से आंसर निकल के आ रहे हैं हमारे। हेलो हेलो, है ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है आई पार्ट है इसी का, वो लिखा हुआ 3 - 12/5 लिखा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो 3 - 12/5 बात है सर, कैसे करेंगे, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं सर, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 3/1 लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आप कर देंगे, तो 5 3 कितना हो गया 3 × 5 लिखा प्यारे बच्चों। ये माइनस का 12, 1 × 5 कर दिया 5 आ गया प्यारे बच्चों। 3 5 15 होता है, माइनस का 12 हो गया प्यारे बच्चों, और ये 5 हो गया। तो 15 में से 12 गया कितना आ गया प्यारे बच्चों 3, और ये आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो देख लो प्यारे बच्चों कितना प्यार से मतलब आंसर आपके निकल रहे हैं। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 5 15 हो गया,
वन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व हो गया, अपन में वन इंटू फाइव किया तो फाइव हो गया, इस तरीके से थ्री फाइव फिफ्टीन होता है, उसमें से ट्वेल्व को निकाल दिया तो थ्री अपन के आगे फाइव आ गया। बोलो आ रहा समझ में आने प्यारे बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट? तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तरीका आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं, जब हमारा बेसिकली डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है तो कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा। ठीक, अब इसके बाद आगे इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फोर हमारा है, लिखा हुआ इस तरीके से कि मिसिंग फिल इन मिसिंग फ्रैक्शन आपको करना है। आपके पास ए पार्ट है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ इसमें सेवन बाई क्या लिखा है, टेन लिखा हुआ है, माइनस में आपके पास ये बॉक्स दिया गया प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखा, थ्री अपॉन टेन लिखा प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। तो आपका सेवन अपॉन टेन माइनस ये थ्री अपॉन क्या लिखा, टेन लिखा। जब भी प्यारे बच्चों यहाँ पे थ्री अपॉन टेन लिखा तो आपको करना क्या है, सेवन अपॉन टेन लिखा, तो यह हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। अब हम सेवन में से ऐसा क्या नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास थ्री बन जाए, तो ये आपको याद हो सेवन में से कितना निकाल दें, फोर निकाल दें। बोलो क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन अपॉन टेन माइनस क्या लिख सकता हूँ, फोर अपॉन टेन, इसका मतलब बॉक्स के अंदर क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका थ्री अपॉन टेन आ चुका है। बोलो क्लियर है या नहीं, समझ में आया? ठीक, कैसे निकला, देखो डिनोमीटर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10, इसका मतलब है यहाँ भी जो नंबर आएगा उसका डिनोमीटर क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे नंबर वो करो जो आपका बेसिकली सात में से क्या निकाल दे कि तीन चार थ्री आ जाए, तो वो आपका क्या है, फोर है। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीका समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद अच्छा चलो दूसरा देखते हैं, पार्ट लिखा है सर, बॉक्स लिखा है प्यारे बच्चों, माइनस लिखा हुआ है आपका 21 लिखा है प्यारे बच्चों, ऊपर 3 लिखा है और इधर दूसरे साइड में लिखा 5 अपॉन 21, क्लियर है। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखना, देखो डिनोमीटर 21, इसका मतलब यहाँ पे भी आप डिनोमीटर में क्या लिख दोगे, 21 लिख दोगे, क्लियर। अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि 5 आ जाए तो यहाँ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आपका डिनोमीटर जब प्यारे बच्चों सेम होता है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी है आपने कि किस तरीके से हम क्या करते हैं उसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं, सेकंडों में आप निकाल ले रहे हो। चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, सी पार्ट है आपके पास, बॉक्स बना हुआ है प्यारे बच्चों, माइनस में लिखा हुआ है 3/6 इज इक्वल टू क्या लिखा सर जी, 3/6 ही लिखा। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, तो ये 6 ही लिख दोगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या 3 है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको 6 लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं, तभी तो आएगा 6 में से 3 गया तभी 3 आएगा। अब यहाँ 0 आप नहीं लिख सकते, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे तो साइन की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, गलती हो जाएगी, माइनस में 3/6 आएगी आप 0 लिख दिए तो आपको यहाँ पे क्या करना, सेम नंबर यहीं पर डिनोमीटर 6 हो गया। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है कि क्या 3 मतलब किस नंबर से 3 को ट्रैक कर दे कि हमारा 3 आ जाए, तो वो 6 में से 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, तो इस तरीके से जहां पे ये बॉक्स के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने इस क्वेश्चन में तरीके जरूर अच्छे से समझ लिए हैं कि किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से सबट्रैक्शन करते हैं, ये आपको हमें पक्का पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करो, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर जुड़कर अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से सीख सके। मैथ्स हम आपके लिए बिल्कुल ही दिन पर दिन अच्छे बनाते जाएंगे, सिरिल और कंपटीशन बेस पर भी ओलंपियाड के भी क्वेश्चन जल्दी आपके लिए शुरू करेंगे, परेशान बस होने की जरूरत नहीं, पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखें, हम आपको हर एक बात सिखाने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।